बेटा पहला दिन है नौकरी का, दही शक्कर खा लिया ना? और हाँ, जिम्मेदारी से काम करना, लेक्चर मत दो उसे। अरे समझा रहे है, तुम भी कमाल करती हो। और बेटा? हाँ बाबा। पहुँच गए क्या? हाँ पहुँच गया मैं ऑफिस। हाँ हाँ, आप ख्याल रखिए अपना, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय बाय। देख रहे हैं मैं सफर पर निकल रहा है ना, तो इसलिए फैमिली को टाटा बाय बाय कर रहा है। इस कॉर्पोरेट के दलदल में फंसने तो दीजिए, हम बता रहे हैं फैमिली को हेलो हाय करना भी भूल जाएगा। और ये जो पहली जॉब होती है ना, पहले रिलेशनशिप की तरह होती है, हमें तो अपनी वाली याद है। नए नए गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आप सारे डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल कर देते हो, आपके पास एक खूबसूरत वजह होती है जिसकी वजह से आप रोज ऑफिस आते हो, सब कुछ नया नया सा है, अच्छा लगता है। और ये देखो, इनको भी मिल गई वजह। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुमने मेरा पूरा सामान गिरा दिया। हाँ हाँ मैं हेल्प कर देता हूँ। विच डिपार्टमेंट? क्रिएटिव डिपार्टमेंट। एंड यू? दर्शना। आई एम योर मैनेजर, कॉल मी दर्शना मैम। सॉरी दर्शना मैम, इट्स ओके। सर आपको कैबिन में बुलाया। किसने? अरे आपके मैनेजर ने। अलाउ है कैसे वहां पे बैठना? हाँ मुझे तो है। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैम, दीज आर द एनुअल रिपोर्ट्स दैट यू आस्क्ड। सो अमित, ये दर्शना है, शी इज ऑल्सो क्रिएटिव कॉपीराइटर। इंट्रोडक्शन हुआ है तुम्हारा? तुम दोनों जान गए एक दूसरे को? हाँ जान गए। ओके गुड, तो मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीक जाकिर खान का शो होने वाला है, जिसे हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। तो कंपनी में एक छोटा सा कंपटीशन है, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले मुझे सिंगापुर के क्लाइंट का पिच डेक ला कर देगा, उसे कंपनी की तरफ से 2 टिकट्स फ्री मिलने वाली है। एंड हाँ, इसी पे तुम्हारा इंसेंटिव भी डिपेंड करेगा। सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? यस। और हाँ, आइडिया अप्रूव होना चाहिए, कुछ भी लेकर मत आना। यस मैम। दर्शना, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। देखो नई जॉब है, एक्सपीरियंस ले लो, वैसे भी मुझे ब्रेक आ चुका है। बाय। मैंने सुना है तेरे पास जाकिर खान के शो के 2 फ्री टिकट आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि तू। सुबोध, अभी नहीं यार, मैं बहुत बिजी हूँ। कोई बात नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक।
अमित के साथ तो मैं ही जाऊंगा। दर्शना, कैन यू प्लीज चेक दिस? पानी लेने जा रहा था। ओह हाँ। सिस्टम में अगर ताका जाके हो गई हो तो ले आओ। हाँ सुनो ना, मेरी भी बोतल भर लाओ। हाँ। इस कंपनी का ना मुझे कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो कल ही रिजाइन दे दूंगा। नहीं, दिवाली भी तो आ रही है, मैं भी पक्का बोनस लेके छोड़ूंगा। तो भैया ये जो प्यार है ना, बड़ी कुत्ती चीज होती है। किसी को मुकम्मल होती है, किसी को नहीं। बेचारे अपने सलमान भाई। सर चाय। फोकस अमित, फोकस। ए क्या हुआ? राजू खिड़की खोल। बादल इम्पोर्टेंट है, खुली हवा से खुले विचार आएंगे। हमें सख्ती से काम करना है अमित, हमें जीतना है ना। तू टेंशन ले रहा है क्या भाई? डर मत उससे, ये लड़कियाँ होती ऐसी है, हर काम में अच्छी, पढ़ाई लिखाई नौकरी दुनियादारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और ऊपर से पापा की परी तो मैं हूँ ही। पर भाई फोकस, हमें जीतना है, साथ में जाएंगे। इसमें किस बात का एटीट्यूड है भाई? गरम पानी है, पी लो, आराम मिलेगा।
अमित तू रुकने वाला है क्या? हाँ यार ये कितना ऑसम है। ठीक है चल बाय, कंपटीशन जीत जाइयो। हाँ माँ हाँ हाँ काम का कोई लोड नहीं। हाँ हाँ अभी दोस्तों के साथ मूवी देखने आया। हाँ हाँ आप ख्याल रखिए अपना। हाँ रखता हूँ। दर्शना तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम घर क्यों नहीं गई? अरे ये भी तो कंप्लीट करना है ना। तुम्हारा हो गया क्या? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं मेरा मतलब है कि कोई क्लोज फ्रेंड जिसे कॉल करके हम बुला सके तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। नहीं ऐसा कोई नहीं है। अच्छा तुम्हारा कोई डेटिंग वेटिंग का सीन नहीं है? नहीं मतलब मुझे ये डेटिंग हुकअप कल्चर बिल्कुल भी नहीं पसंद। I believe in deep connection. मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ वॉक पे जाना, एक दूसरे को रोते हुए देखना और एक दूसरे की हर एक छोटी बड़ी चीज जानना, बहुत सारी बातें कर। I believe in finding a soulmate. और उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। तुमने तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। कुछ भी चलो आई एम फीलिंग बेटर नाउ और कंग्रेचुलेशंस टू यू। कल तुम अपना पीएचडी कंप्लीट करना और कंपटीशन जीत जाना। अभी मैं निकलती हूँ। मैं ड्रॉप करूँ? नहीं It's fine. I'll just go. Bye. Yes, yes, yes. We were actually waiting for your response. Yes, sir. Thank you so much. Yes. Yes, we are looking forward to work with you. Yes. Yeah, I'll check everything and I'll send you details. ओके यस। तो गाइस पिछले का प्रूव हो गई है, जानना चाहोगे किसकी? किसकी मैम? दर्शना कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अमित यू हैव टू वर्क ऑन योर डिजाइंस। तुम नए हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अच्छा ही आना चाहिए सब। या मैम श्योर। तो दर्शना किसके साथ जा रही हो शो में? मैम अमित। वाओ ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। आई थिंक तुम लोगों को अभी निकलना चाहिए क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, शो मिस नहीं होना चाहिए ना। जाओ बाय, एंजॉय, जाकिर खान का शो है, गो। बाय बाय। थैंक यू। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इधर आइए। एक बात बताना तो भूल ही गया, कंपनी और रिलेशनशिप में दोनों साइड से ट्रस्ट करके अगर लंबा टिक गए ना सलाई जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है।
ये हमारा लड़का नहीं है। हाँ माँ, हाँ बस अभी निकला हूँ। हाँ सब ठीक है। हाँ अभी मन लग गया ऑफिस में। हाँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। वैसे हफ्ते पीपीटी कंप्लीट करते तो टिकट्स वैसे भी मिल जाते। नहीं, तुम्हारा आइडिया मेरे आइडिया से ज़्यादा अच्छा था, और वैसे भी हारा नहीं हूँ मैं, कुछ तो जीता हूँ। ये दो दिलों की मुलाकात है, जैसे जुगनू की ये रात है। ये दो दिलों की मुलाकात है, ये तो सही शुरुआत है, यही तो नई शुरुआत है, हाय नई शुरुआत है। जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, टीजर पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपको लग रहा है कि ये सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। पर आपको अगर अमित और दर्शना को सीरीज में देखना होगा तो बता दीजिए, हम लेके आ जाएंगे। हाँ। और हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए।